उसे नींद नहीं आ रही थी। आवाज सुनाई दी। घर जाके देखा तो ये पांचवा खून था। सारे शहर में तहलका मच गया था। ये अलग अलग तरीकों से सबको मारता था। इंस्पेक्टर रोहित को पसीना छूट रहा था। आज तक बड़े बड़े केस सोल्व किए थे, पर नौकरी के अंतिम सालों में ये केस कुछ ज्यादा ही पेचीदा लग रहा था। रोहित ने सारे खून की फाइल फिर से चेक की। पहला खून खन्ना पार्टी प्लॉट में चौकीदार के सर पर चोट लगने से। दूसरा खून स्कूल टीचर का स्कूल के बाद के समय में बिजली का झटका लगने से। तीसरा खून बिजनेसमैन खुराना का गाड़ी का टायर फटने से। ये सीरियल किलिंग जैसा ना था, पर पूरी तरह से छानबीन करते लगता था कि यह भी सीरियल किलर ने ही किया है। चौथा खून मिसेस वागले के उसके ही अपार्टमेंट में गला घोटने से किया गया। और ये पांचवा खून सब इंस्पेक्टर वर्मा के बेटे का रात को चाकू से हमला करके किया गया। कोई पैटर्न, गली, मोहल्ला, प्रोफेशन कुछ भी मैच नहीं हो रहा था। रोहित को लग रहा था कि खूनी कोई साइको है और किसी का भी खून कर देता है और इसमें इसको मजा आ रहा है। को चैन ही नहीं पड़ रहा था। घर पे भी कोई ना था। उसकी बीवी बेटे और बहू के पास बेंगलोर गई थी। आज रात यहीं पुलिस थाने में ही रहने का उसने सोच लिया। रात को काम करते समय उसको नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो वो एक कमरे में बंधा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक आदमी खड़ा हो गया। उस आदमी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब मुझे पहचाना? रोहित को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखों को फाड़ कर भी देखा। मैं आपकी याददाश्त को ताजी करता हूँ। पांच दोस्त, गोवा में पार्टी, दारू के नशे में धुत होकर गार्ड का खून। पैसों के लिए आपने मुझ गरीब को जेल में बंद कर दिया। मैं तो भाग गया था, पर तुम सारे पापी अभी भी जिंदा हो। इस गुनाह में जो जो शामिल है मैं उन सबको मार दूंगा। वो जोर जोर से हंसकर चला जाता है। उसके जाने के बाद रोहित बहुत याद करता है, पर उसने कभी भी ऐसा काम नहीं किया था। ये कोई साइको लगता है। अचानक जोर से ब्लास्ट होता है और सारी बिल्डिंग उड़ जाती है। वो एक साइको था जिसने अपने साथ इंस्पेक्टर रोहित की भी जान ले ली।